वेलकम टू द ग्लोरियस सिंप्लीफिकेशन। आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमें ये देखना है कि जो मॉडल पेपर हम सॉल्व करते हैं उसका लेवल क्या होना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा सरल मॉडल पेपर अगर हम सॉल्व करते हैं तो जाहिर है उसके नुकसान है, वो फिजूल में आपको ओवर कॉन्फिडेंट कर देगा। अगर ज़रूरत से ज़्यादा डिफ़िकल्ट मॉडल पेपर को आप सॉल्व करेंगे तो वो भी नुकसानदायक है, क्योंकि वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को गिरा देगा, आप उस पेपर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पेपर का स्तर कैसा होना चाहिए, ये हमारा आज का पहला बिंदु है। देखिए, रिट परीक्षा एक विशेष प्रकृति की परीक्षा है जिसका अपना एक अलग नेचर है। अगर आप इसकी तुलना राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा से करने लगेंगे या पटवार परीक्षा से करने लगेंगे तो यहाँ आप मात खा जाएंगे। पटवार परीक्षा में जीके के प्रश्नों की प्रकृति बिल्कुल अलग होती है, रिट परीक्षा में जीके के प्रश्नों की प्रकृति बिल्कुल अलग होती है, खासतौर से सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ आपसे। अब रिट परीक्षा में चूंकि 10वीं तक का कंटेंट मेजर होता है, लेकिन हमें ये देखना है कि सिलेबस के अंदर जो एक पंक्ति लिखी हुई आई है कि प्रश्नों का कठिनाई स्तर 12वीं तक होगा, इसका आशय क्या है? क्या इसका ये आशय है कि हमें 12वीं और 11वीं की किताबें पढ़नी पड़ेगी, या इसका ये आशय है कि प्रश्न जो आएंगे उनका डिफ़िकल्टी लेवल यानी प्रश्नों की जो मूल रचना होगी वो इस तरह से होगी जैसा वो 11वीं और 12वीं की परीक्षाओं में दिए जाते हैं या 11वीं और 12वीं कक्षाओं के अंदर पाठ्य पुस्तक के पीछे दिए जाते हैं? ये बहुत गंभीर प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न का निराकरण होने पर भी आप अच्छी तरह से खुद को स्ट्रेटेटाइज करते हुए आगे चल पाएंगे और आप रणनीतिक रूप से थोड़ा मजबूत पोजिशन में आ जाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि पेपर का स्तर। मॉडल पेपर सॉल्व करना मेरी समझ के दायरे से बाहर है, क्योंकि न तो मैंने कभी इनको सॉल्व किया है, न ही मैं इन्हें पसंद करता हूँ, क्योंकि इसमें रिस्क ये है कि अगर आपने किसी ऐसे मॉडल पेपर को सॉल्व कर लिया जो ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाया गया है जिसे इस परीक्षा की मूलभूत समझ ही नहीं है, उसने सिर्फ प्रश्नों को पिकअप किया है और उन प्रश्नों को प्रिंट करके दे दिया है और आप उसे सॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसे में ये बड़ा घातक साबित होगा। क्योंकि जैसे ही आप मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं, इसका सीधा सा आशय है कि आपका सिलेबस कवर हो चुका है। अब अगर आप बिलो पार किसी मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे तो अब आपका जो दिमाग है वो उसी तरह से चलेगा, परीक्षा में भी आप वैसा ही एक्सपेक्टेशन रखेंगे, और जब आपकी वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होगी तो आप प्रेशर में आ जाएंगे। स्तर से बहुत ज़्यादा बाहर के प्रश्न, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रश्न, ये भी घातक हैं, ये भी नहीं करने चाहिए। तो मेरी सलाह यही है कि मॉडल पेपर की बजाय आप कोशिश करें कि पुराने जो पेपर हैं उन्हीं को सॉल्व करें। ये मैं आपको मजबूती के साथ इस चीज़ को कहना चाहता हूँ, आपको इससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान होने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि बार बार जब आप उन पेपर्स को सॉल्व करेंगे, चाहे वो सी टेट के ही क्यों ना हो, सी टेट की प्रकृति आर टेट से, हमारे रिट से कोई ज़्यादा अलग नहीं है, आपको ये पता चलेगा कि किसी किताब से तथ्य चुनते समय उस तथ्य को किस तरह से परीक्षा में दिया जाता है कि वो विद्यार्थियों को या परीक्षार्थियों को कन्फ्यूज़ करता है, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जिस पर हमें आज चर्चा करनी है वो है कि यही कि 12वीं का कठिनाई स्तर से हमारा आशय क्या है। देखिए, मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर शब्दों में बता दूं कि अगर आपके 10वीं तक की जो पुस्तकें हैं उनसे सिलेबस का हर पोर्शन कवर हो रहा है तो आपको 11वीं 12वीं पे जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 10th तक के सिलेबस में नहीं है और 11th 12th की किताबों में आप उसे देख पा रहे हैं तो आपको उसे वहाँ से पिकअप करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि कठिनाई स्तर का आशय क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, 6ठी कक्षा की आप किताब देखेंगे इतिहास की, तो उसमें आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में परिचयात्मक जानकारी दी जाएगी। अब फर्ज कर लेते हैं कि उस किताब में सिंधु घाटी सभ्यता का संक्षिप्त वर्णन, उसके छोटे मोटे शहरों की जानकारी, विशेष रूप से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो वगैरह इनकी जानकारी दी है। तो ये छोटे छोटे तथ्य हैं जो उस किताब के अंदर हैं, लेकिन जब प्रश्न आएगा तो किस तरह से आएगा? 6ठी कक्षा में आप प्रश्न देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो एक प्रश्न है और वो प्रश्न आपसे एक ही तथ्य की अपेक्षा करता है। ये 6ठी कक्षा का स्टैंडर्ड है। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे पूछते हैं कि कालीबंगा निम्न में से किस जिले में है, अब यहाँ एक प्रश्न है, एक ही तथ्य है, ये 6ठी 7वीं 8वीं तक का स्तर कहलाता है। 9th 10th में हम जाते हैं तब वहाँ हम प्रश्नों की प्रकृति देखते हैं कि वो करीब 1 से 2 तथ्यों को प्रश्नों में समाहित कर देते हैं और फिर हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उसे उत्तर दें। और 12वीं के स्तर का मतलब यह है कि 2 से ज़्यादा तथ्य उसमें दिए जाएंगे जिन पे आपको विचार करने के बाद आप विकल्प पे पहुँचेंगे। फॉर एग्जांपल, हड़प्पा सभ्यता के बारे में से निम्न में से सही कथन है। अब ये 12वीं के कठिनाई स्तर को देखते हुए प्रश्न की रचना है।
और फिर उसमें चार स्टेटमेंट आपको दे दिए जाएंगे, या तो पहला सही हो सकता है, या दो सही हो सकते हैं, या तीन सही हो सकते हैं, और आपको मार्क आउट करके लिखना है। ये है 12वीं तक की कठिनाई स्तर का आशय। एक और चीज़ जो हमें बहुत गहराई से देखने की ज़रूरत है वो ये है कि हमें ये समझ लेना चाहिए कि रिट परीक्षा के प्रश्नों की प्रकृति किस तरह की है। आप अगर 2018 के पेपर को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ये जानने की कोशिश की गई है कि अमुक चैप्टर के प्रति आपकी समझ कितनी डेवलप हुई है। डायरेक्ट तथ्य पूछने की बजाय वो ये कोशिश करते हैं कि दिए गए जो कंटेंट है उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी ज़्यादा है, उसको वो लोग आधार बनाते हैं। 60 प्रश्न हैं तो 40 प्रश्न आप डायरेक्ट मान सकते थे, 2018 का पेपर आपके पास होगा आप देख लीजिए, लेकिन जो 20 प्रश्न बचते हैं वो मेरिटोरियस क्वेश्चन हैं, वो आपके मेरिट का निर्धारण करते हैं। तो ये ऐसे सवाल होते हैं जो आपसे अपेक्षा करते हैं कि आपने उस कंटेंट को कितना समझा है। समझने के बाद जो जानकारी आपको दी जा रही है उसके आधार पर आप नया निष्कर्ष निकाल सकते हैं या नहीं, बस इतना सा है। क्योंकि आपको बच्चों को पढ़ाना है तो जाहिर है कंटेंट की समझ आप में डेवलप होनी चाहिए। अब कुछ लोगों को ये लगता है कि नहीं नहीं ये RAS परीक्षा नहीं है, इसमें इस तरह का स्तर नहीं आता। तो मैं आप लोगों को स्पष्ट बता दूं, आप सारे पेपर उठाकर देख लीजिए, आपको 40 प्रश्न लगभग लगभग फैक्चुअल मिल जाएंगे जो डायरेक्टली होते होंगे, लेकिन 15 से 17 या 20 प्रश्न ऐसे हैं जो आपसे समझ की उम्मीद करते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि अगर आपने मूल अधिकार पढ़े हैं फॉर एग्जांपल, तो मूल अधिकारों की आप में समझ कितनी है, उस पर हाइपोथेटिकल सिचुएशन, फिर क्वेश्चन, और फिर आपसे पूछा जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें, प्रश्नों की प्रकृति को नज़रअंदाज ना करें। रहा ये सवाल कि मॉडल पेपर, मैं नहीं चाहता कि किसी तरह का मॉडल पेपर आप लोगों के बीच आए, लेकिन मैं जिस तरीके से सोच रहा हूँ उसको देखते हुए कोशिश करूँगा कि 25 या 30-30 प्रश्नों के 2-3 सेट में डाल दूँ। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूँगा कि उन मॉडल पेपर्स को आप सीरियसली न लें। आपकी मार्किंग अच्छी है तो भी गुड, अगर आपकी मार्किंग में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो भी गुड, सिर्फ आपको ये देखना है कि क्या हम उस लेवल के प्रश्नों को कर पा रहे हैं या नहीं। आशा है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप निरंतर प्रगति करेंगे। इस परीक्षा को आप इस तरह से देखिए कि ये परीक्षा एक शिक्षक का चुनाव है, एक शिक्षक को चयनित करना है, और शिक्षक वो व्यक्ति है जो बच्चों के दिमाग को शेप आउट करता है, शेप अप करता है, बच्चे जो कोरे कागज़ की तरह हैं उन्हें ज्ञान से परिपूर्ण करता है। तो आप में 360 डिग्री की समझ होनी चाहिए, वरना आप बच्चों को हैंडल नहीं कर पाएंगे विद्यालयों में। खासतौर से सोशल स्टडीज़, सोशल साइंस के शिक्षक इस चीज़ पे खास ध्यान दें। तो ओवरऑल डेवलपमेंट, जो मेंटल अप्रोच हमारी होती है, उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।